अगर कल सुबह आप उठें और आपको पता चले कि घर में पानी नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे? अब इस सिचुएशन में या तो आप पानी का टैंकर बुलाएंगे या फिर अपने पड़ोसी से हेल्प मांगेंगे और जैसे तैसे एक हफ्ते तक अपना गुजारा कर लेंगे। पर जरा सोचिए कि अगर एक हफ्ते बाद भी आपके घर में पानी नहीं आया तो ऐसा ही फील करती है हमारे देश की 63% पॉपुलेशन, जो हर दिन वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम से लड़कर सरवाइव करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आज जमीन के नीचे का पानी खत्म होता जा रहा है। इसी प्रॉब्लम को नोटिस किया अमित दोषी ने। मैंने देखा कि लोग जमीन से पानी निकालने के लिए बोरवेल का इस्तेमाल करते हैं। धूप काले में जब बोरवेल का पानी कम होता है या वो सूखने लगता है तो लोग उसे और गहरा करवाते हैं। वर्ष प्रतिवर्ष ये प्रक्रिया चालू रहती है और इसी वजह से हमारे भारत वर्ष में करीब करीब 15-20% बोरवेल सूख रहे हैं। ग्राउंड वाटर लेवल कम होता जा रहा है क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन करते टाइम कंक्रीट या टाइल्स या टार का यूज करते हैं और जब बारिश होती है तो ये बारिश का पानी जमीन के अंदर जा ही नहीं पाता और ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता। इंडिया में हम बचपन से ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, समझते आए हैं, पर बड़े होते होते हम इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग को ही इग्नोर कर जाते हैं। और एक्चुअली में देखा जाए तो पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह रेन होती है और वाटर की स्कर्सिटी के बाद भी रेन वाटर को सेव करने का काम बहुत ही कम हो रहा है, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग काफी एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। तो मैंने सोचा कि किसी तरह से ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए जिससे रेन वाटर को बोरवेल में ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए यूज किया जाए और इसी से पानी की किल्लत की समस्या काफी हद तक हम सॉल्व कर पाए। और अमित जी सुबह शाम दिन रात बस ये सोचने लगे कि कैसे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोसेस की कॉस्ट को कम करें। इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए मेरा काफी समय जा रहा था और कंपनी को चलाने के लिए अलग अलग डोमेन्स जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग और मार्केटिंग में काफी सारा समय देना होता है। तो मैंने इसी वजह से अपने रिलेटिव से बात की इफ ही कैन कनेक्ट विथ मी और वो इस कॉज में मेरे साथ मेरी जर्नी में आगे बढ़ सके। जब अमित ने मुझे इस आइडिया के बारे में बताया तब मैं ऑलरेडी एक एमएनसी में एज एडमिन जॉब कर रहा था। उन्होंने इतना अच्छा इनोवेशन किया था और पानी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी तो मैंने जॉब छोड़ दी और अमित को एज अ फुल टाइम पार्टनर ज्वाइन कर लिया। नेशल के आने के बाद मुझे R&D के लिए पूरा समय मिलने लगा। फाइनली हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिससे रेन वाटर यूटिलाइज हो सके, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए में। और ऐसे शुरुआत हुई निरेन की। इस टेक्नोलॉजी का इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी इतना सिंपल बनाया गया कि कोई भी प्लम्बर इसे आसानी से सिर्फ 2 घंटे में इंस्टॉल कर पाए। तो चलिए समझते हैं कि इस फिल्टर से रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होती है। इसमें हमने HDPE का डबल लेयर फिल्टर क्लोथ यूज किया है। जब पानी वर्षा जल के पाइप के माध्यम से इसमें आता है तो कर्व्ड शेप में रखे हुए इस HDPE डबल लेयर फिल्टर एलिमेंट के माध्यम से फिल्टर होता है, इम्प्योरिटी ऊपर रह जाती है और क्लीन वाटर आगे दूसरे फिल्टर एलिमेंट की ओर जाता है। वहाँ पे फर्दर फिल्टरेशन होने के बाद वो पानी हमारी टैंक या हमारे बोरवेल में जाके स्टोर हो जाता है। इस 3,000 रुपये के फिल्टर की मदद से हम हर साल 60,000 लीटर तक का पानी बचा सकते हैं। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल अहमदाबाद का है और ये सिर्फ 1,000 स्क्वायर फीट की छत का एग्जाम्पल है। ये सेम एग्जाम्पल अगर हम मुंबई के लिए लेते हैं तो 2,50,000 लीटर तक का पानी बच सकता है। आज तक निरेन ने 125 करोड़ लीटर पानी अक्रॉस इंडिया, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में बचाया है, विच इज अ ह्यूज इंपैक्ट। अभी तक 5,000 इंस्टॉलेशंस के माध्यम से करीब करीब 125 करोड़ लीटर शुद्ध वर्षा जल हम बचा चुके हैं और हमारा मिशन ये है कि आने वाले सालों में लाखों घरों तक पहुंचकर बिलियंस ऑफ लीटर्स रेन वाटर बोरवेल में बचाना है।
नीरेन ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्नोलॉजी को हमारे लिए बहुत ही अफोर्डेबल बना दिया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करके ज्यादा से ज्यादा रेन वाटर यूटिलाइज करें, क्योंकि पानी के लिए हमें किसी पे भी डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। और अगर हम सब सिर्फ अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लें तो शायद इस प्लेनेट से एक दिन हम वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे। That's it for this video. See you next week.